अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते वीवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गाजर ले लिए, तकरीबन 1.5 किलो गाजर है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको ये सारा हम छील छील के निकाल देते हैं। ये फिर इसको कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी डालते हैं। घी में कद्दूकस किया हुआ गाजर को शामिल करते हैं और इसको थोड़ी देर भूनते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट तक भूनते हैं। आज 2024 का जनवरी फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ नए साल का आगाज़ करते हैं। मैंने 1/2 किलो मावा यानी कि खोआ ले लिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तेज़ आंच पे करने से ये जल जाएगा। धीमी धीमी आंच पे भूनिए तो इसका पानी धीमी धीमे खुश्क भी होता जाएगा और ये भूनता भी जाएगा। काजू बादाम पिस गया है, एकदम बारीक पीसा है। अब इसमें एक बॉल दूध डालते हैं। छोटा बॉल है, बहुत बड़ा नहीं है। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। इसमें तकरीबन 1/2 किलो चीनी डालते हैं और चलाते रहते हैं। दूध और चीनी जो मैंने डाला था उसको खुश कर लेते हैं। छोटी इलायची का बीज ले लिया है मैंने, इसको इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। देखिए कूट लिया है। तो शामिल करते हैं मावा। ये बारीक पिसा हुआ काजू बादाम, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं एक साथ। इमाम दस्ते में कोटी हुई छोटी इलायची शामिल करते हैं इसमें। खुशबू के लिए है ये और फायदेमंद भी है। इसमें करीब करीब 250 ग्राम घी डालना पड़ेगा ऊपर से, तब कसना पड़ेगा। धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देते हैं। तैयार हो चुका है, अब इसको सर्व करते हैं। गाजर का हलवा तैयार है, इसको सर्व करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, प्यार बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।